कर दो। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ का एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से और कैसे फिल करना है दोस्तों, जो अभी 12वीं पास किए हैं जैसे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से और कैसे फिल करना है, इस वीडियो हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहाँ लिखना है SNP. इस प्रकार से लिख देना शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी .ac.in, इस प्रकार से लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का मेन वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल कॉलेज स्टूडेंट इस प्रकार से आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों शहीद नंद कुमार यूनिवर्सिटी SNPV रायगढ़ .in करके आ रहा था हमें, यहाँ पर दोस्तों नीचे को स्क्रॉल करके आना है हमें, यहाँ पर इस प्रकार सारे एडमिशन यानी कि ऑनलाइन एडमिशन 21/22 इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से खुल के आ रहे हैं, हमें नीचे की ओर आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर, इसके साथ ही स्नातकोत्तर का है दोस्तों। तो अगर आपको BA BSc का फर्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप करना है, 12वीं का सिलेक्ट करना है, अगर आप MMSc करना चाहते हैं PGD से तो UG को सिलेक्ट करना है। तो हमें दोस्तों फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों 12वीं पर क्लिक करना है। उसके पश्चात दोस्तों आप कौन सा संकाय से 12वीं को पास किए हैं, किस विषय के लेकर, आप आर्ट साइंस कॉमर्स होम साइंस एग्रीकल्चर साइंस बायोलॉजी एंड मैथ, तो आपको जो भी सब्जेक्ट आप 12वीं से पास किए हैं उसको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। फिर दोस्तों आना है यहाँ से कि आप 2021 में पास किए हैं 12वीं को, तो यस। उसके पश्चात आता है रोल नंबर को, यहाँ से आपको फिल करना है आपका 12वीं का रोल नंबर। तो दोस्तों आपको इसको फिल करने के पश्चात सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों आता है इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर को फिल कर लेंगे। उसके पश्चात आता है सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आगे की ओर बढ़ जाना है यहाँ पर स्किप टू प्रोसेस पर। तो एक बार अपना रोल नंबर को सही तरह से जांच कर लें, उसके पश्चात फॉर्म को आगे फिलअप ज़रूर करें। उसके पश्चात दोस्तों आता है यहाँ पर स्किप टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ रहा है आपका पाठ्यक्रम यानी कि कौन से कोर्स हमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो उसको दोस्तों सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आता है आपका नाम जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पे है उसको फिल करना है। उसके पश्चात आपके पिताजी का नाम को फिल करना है जैसे आपके मार्कशीट में है उसको, फिर आता है अपने माताजी का नाम आपके मार्कशीट में जिस भी प्रकार से लिखा हुआ है उसको फिल करना है, फिर आता है आपका जेंडर इसको सिलेक्ट करना है, फिर आता है आप लोग का क्रीमी लेयर है ST यानी कि जनरल SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर तो उसको सिलेक्ट करना है। जिनका आय 5 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत है, जिनका अधिक है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 10वीं अंक सूची के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ को डालना है, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका एज, और यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करना है जिसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त तो होगा, और आपका मोबाइल नंबर को फिल करना है, सेंड OTP करके आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों इन सबको मैं आपको फिल करके फॉर्म को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अपना संपूर्ण डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों फॉर्म जो है भरने के लिए आगे बढ़ जाएगा, अगर कोई छूटा हुआ रहेगा दोस्तों वो दिखा देगा यहाँ पर, फिर दोस्तों आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सेंड OTP पर करते हैं, तत्पश्चात दोस्तों फॉर्म हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार दोस्तों OTP आ जाने के पश्चात वेरीफाई OTP लिखा है ब्लैक कलर के ऊपर में वाइट, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात आप अपना संपूर्ण डिटेल को एक बार फिर से चेक कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो, उसके बाद सेव करके आगे बढ़ जाना है। जैसे दोस्तों यहां से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर प्राप्त हो जाने के पश्चात उसको यहां पर फिर से दोस्तों फर्स्ट पर लॉगिन विथ यूज़र आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, तो यहां पर आके हमें अपना यूज़र आईडी या आप नीचे दूसरे पॉइंट पर दिया है यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, इनके माध्यम से भी आप पंजीयन को अपने फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको अपना यूज़र आईडी को डालना है, उसके पश्चात पासवर्ड को डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर जो है प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों इन सबको मैं आपको फिल करके
फॉर्म को आगे प्रोसेस करके मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से डालने के पश्चात आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यह राइट का चिन्ह लग जाने पर पश्चात साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन पर क्लिक करेंगे दोस्त तो पेज तो आगे खुलेगा। इस प्रकार से खुलने के पश्चात हमें अपना फॉर्म को आगे बढ़ाना, यहाँ पर आ गया है हमारा नाम और हमारा क्लास का नाम। उसके पश्चात दोस्तों इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाना है और हमें पेमेंट करना है। सीधा पेमेंट दोस्तों 50 रुपये का पेमेंट हमें देना पड़ेगा। उसके पश्चात हमारा फॉर्म आगे जो है फिलअप होगा। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग पेमेंट को कम्प्लीट कर लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ दोस्तों आप ATM कार्ड के माध्यम से या दोस्तों के कहीं और माध्यम से अपना पेमेंट को करेंगे। तो यहाँ दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है 50 रुपये। यहाँ से अगर कोई कूपन कोड है तो उसको या ऑर्डर इस प्रकार से बिलिंग एड्रेस जीप और स्टेट इस प्रकार से आ रहा है। फिर ATM कार्ड अब किस माध्यम से आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो इन सब को आपको सबसे पहले फिल करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमको यहाँ से माई बिलिंग डिफरेंट इस प्रकार से कूपन कोड को छोड़ के आपको यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ से हमें जो है फिल करना है। एड्रेस, फिर जीप कोड है मतलब पिन कोड, फिर सिटी, स्टेट और यहाँ से मोबाइल नंबर है उसको आपको डालना है। सिलेक्ट कंट्री करना है इस प्रकार से, तो उसको दोस्तों यहाँ से हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। हम इंडिया से हैं तो इन सब को आपको फिल करना है। तो चलिए दोस्तों इन सब को मैं आपको फिल करके इसी वीडियो में यहाँ से इंडिया इस प्रकार से आ रहा है इसको आपको अपने हिसाब से फिल करना है। उसके पश्चात दोस्तों रिसेप्शन नंबर, एड्रेस, पिन कोड इस प्रकार से फिर पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों हमें पेमेंट पर करना है नेट बैंकिंग। इस प्रकार दोस्तों जिस भी आप नेट बैंकिंग जिस भी आपको बैंक से करना है, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से जिस भी बैंक से हमें पेमेंट करना है तो उसको हमको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है पहले ATM कार्ड के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से हमको यह फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों इन सबको मैं आपको फिल करके पेमेंट कम्प्लीट करके आपको मैं बता रहा हूँ आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के पश्चात नेविगेशन ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से आ रहा है। अगर दोस्तों इस प्रकार से नहीं आता है तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर से हमें लॉग आउट करके हमें लॉग इन करना है। इस प्रकार से हमें लॉग आउट कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों अगर नहीं आता है तो इस प्रकार से यहाँ रहे सर्वे फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर अप्रैल सीजन 2021। तो यहाँ से दोस्तों इसको हमको रीसेट कर देना है। यहाँ से लॉग आउट करके फिर से इसको, जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से लॉग आउट कर देना है। फिर यहाँ से आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके हमें फॉर्म को आगे बढ़ाना है, आगे फिलअप करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आ रहे हैं साइन इन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों इस प्रकार से आ रहे हैं आर यू अवेयर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये इस प्रकार दोस्तों अगर इसको हमें फॉर्म को फिलअप करना है, जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आर यू विलिंग टू गिविंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोर्स फॉर फ्यूचर, इस प्रकार से दोस्तों यस। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों के पश्चात दोस्तों आपको लोकल इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों इफ़ द COVID-19 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स इज बॉन्डेड इन देवर कंफर्टेबल, यस। फिर इस प्रकार यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस। इस प्रकार दोस्तों सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर करेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा फॉर्म अब खुल के आ रहा है उसको। फिर यहाँ दोस्तों हमारा फॉर्म संपूर्ण तरह से इस प्रकार से फिल हो गए हैं। हमें यहाँ से अपना रीजन को सिलेक्ट करना है, अपना धर्म को। उसके पश्चात यहाँ पर क्या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो इसको दोस्तों नो करना है। फिर इंडियन, यहाँ से आवेदक का मूल निवासी छत्तीसगढ़ से हैं, अगर बाहरी कुछ दूसरा राज्य से हैं तब उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आप कौन से ज़िले के निवासी हैं उसको यहाँ से ढूंढ के आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से आपको जिस भी ज़िले के निवासी हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, अच्छी तरह से ढूंढ लेना है यहाँ से आपको, ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ दोस्तों कि आप फ्रीडम फाइटर हैं, इसमें दोस्तों हम जिस ज़िले के निवासी हैं उसको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, बलौदा बाजार, तो हम किसी भी एक ज़िले जैसे कि हम रायपुर को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात आता है दोस्तों
कि आवेदक या भूतपूर्व सैनिक है। इस प्रकार से इसको आपको फिलअप करना है। अनमेरिड, इस प्रकार से परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति, इस प्रकार से राशन कार्ड नंबर अगर देना चाहे तो, इस प्रकार से दोस्तों शारीरिक मानसिक रूप के अक्षम, इस प्रकार से है। फिर आता है यहाँ पर, अगर इसको सिलेक्ट करते हैं यस करेंगे तो ही ये दो ऑप्शन खुलेगा। उसके पास आता है आवेदक का स्थायी पता, इस पते को फिल करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी को फिल करने के पश्चात यहाँ से दोस्तों आप जिस भी जिले का, यानी कि जिस भी आप, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आपका जिला चयन करें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों बहुत से ज़िले को जो है नहीं दिया गया है, चयन जो है सेलेक्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा पर्सनल डिटेल अपलोड होने के पश्चात हमें अपना फ़ोटो को रखना है 100 से 200 KB के मध्य, और अपना सिग्नेचर को रखना है 10 से 50 के मध्य। तो इस सब को दोस्तों अपलोड करना है। चलिए इन सबको मैं अपलोड करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से फ़ोटो को अपलोड करने के पश्चात पहले फाइल से सेलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात अपलोड पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो दिखाई देगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर को करेंगे, पहले उसको फाइल से सेलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात अपलोड पर करेंगे। इस प्रकार से इमेज आएगा, उसके पास सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो पेज इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर अपलोड जो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके पश्चात हमें नेक्स्ट पर करना है। जैसे नेक्स्ट पर करेंगे दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पर टाइप ऑफ एग्ज़ाम 12वीं, उस पर उसी दोस्तों आप ग्रुप, आपको स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, किस से पास आउट हुए हैं तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। फिर प्रकार से दोस्तों आपको फिल करना है, यहाँ से आपको टाइप ऑफ एग्ज़ाम को डालना है। अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएससी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो 12वीं का सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। और दोस्तों अगर आप अंडर ग्रेजुएट मतलब पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूजी को सिलेक्ट करके यूजी में जितने परसेंट प्राप्त हुआ उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात अपनी स्कूल एंड इंस्टीट्यूट को डालना है। अगर 12वीं में है तो आप 12वीं किस स्कूल से पास आउट किए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका 12वीं जो पास आउट हुए हैं वो कितने साल का था उसको डालना है। एक 12वीं जो है 1 ईयर का था। उसके पश्चात बोर्ड ऑफ रिजल्ट यानी किस इंस्टीट्यूट, किस कॉलेज से पास आउट हुए उसको यहाँ से डालना है। फिर आपका सब्जेक्ट कौन कौन से था उसको लिखना है शॉर्ट रूप में। फिर किस वर्ष पास आउट हुए हैं उसको डालना है। फिर आपका नामांकन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी एक को डालना है। रोल नंबर को डालना है अगर 12वीं सेलेक्ट किए हैं, 12वीं अगर यूजी सेलेक्ट किए हैं तो फाइनल ईयर का, और रिजल्ट में क्या है पास है फेल है इस प्रकार से। तो इसके लिए फॉर्म में दोस्तों जो फाइल है सप्लीमेंट्री है, टिकेटी है, यूएफए है, कैंसिल है, विड्रो है, सब भी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके पश्चात टोटल मार्क, टोटल कितने नंबर प्राप्त हुआ है परसेंट, और यहाँ से डिवीजन, उसके पश्चात एड एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे एड एंड सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा यह जो है मार्कशीट यहाँ से अब सेफ हो चुका है। यहाँ से 12वीं फिर साइंस से पास हुए हैं, एक वर्ष का कोर्स था, उसका सब्जेक्ट है, फिर बोर्ड है, उसके बाद पासिंग एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और कितने अगर इसमें कोई बदलाव करना है जैसे कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ से डिलीट पर करके फिर से आप ऐड करेंगे। उसके पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करें दोस्तों यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ एग्ज़ाम इस प्रकार से। यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ विषय का नाम शॉर्ट में प्रविष्ट करें जैसे हिंदी इंग्लिश इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों आपको 10वीं का सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यूजी हैं तो अगर जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो यूजी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 12वीं हैं तो आप 10वीं को सिलेक्ट करेंगे। दो बार आपको लिखना है, पहले में 12वीं लिखना है उसके में, उसके बाद 10वीं को डालना है इस प्रकार से दोस्तों। फिर नन इस प्रकार से। फिर आपका स्कूल का नाम को डालना है। फिर आता है दोस्तों आपको सिलेक्ट कोर्स कितने साल का था, दो 10वीं का था वो, और यानी कि यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको फिल करना है दूसरे वाले को टाइप ऑफ एग्ज़ाम 10वीं, अगर 12वीं पास आउट हैं तो अगर दूसरे वाले ऑप्शन में 10वीं का सिलेक्ट करना है, पहले में 12वीं। इस प्रकार दोस्तों आपको ग्रुप ऑफ स्ट्रीम नॉन 1 ईयर का कोर्स है, या आपको सब्जेक्ट का शॉर्ट रूप में लिखना है। बोर्ड ऑफ स्कूल कहाँ से पास आउट हैं उसको लिखना है यहाँ से दोस्तों। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर, तो आप जो 12वीं पास आउट हैं अपना नामांकन नंबर डालेंगे, और अपना रोल नंबर 10वीं का
आपको जो 600 का या आपको कितने मार्क्स का है उसको, फिर यहाँ टोटल कितने प्राप्त हो उसको परसेंट एंड सब्जेक्ट ग्रेड उसके पास सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्वालिफिकेशन सेव हो चुका है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट चयन के लिए आ रहा है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में। तो यहाँ दोस्तों हमें इंस्टीट्यूट को जो है सेलेक्ट करना है, कौन से इंस्टीट्यूट में हमें फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणेश्वर, उसके पश्चात ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ वहाँ दिख रहे हैं। यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, फिर यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सबको जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ फिर दोस्तों यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा यह जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। इस प्रकार जो सेव पर क्लिक करेंगे, अगर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अगर और अन्य इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से आप जितने भी कॉलेज को अब में आप डालना चाहेंगे, जैसे दोस्तों TCL PG कॉलेज, ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों आता है यहाँ से आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए डालना है, जैसे BSc फर्स्ट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, BSc फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी, इस प्रकार दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट में आप डालेंगे यहाँ से दोस्तों कंपलसरी यहाँ से फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा फॉर्म जो है सेव हो चुका है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा वेटेज आ रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका कोई यहाँ से वेटेज अगर ST SC नॉन इस प्रकार से आपको कोई मिला हुआ है NSS या गवर्नमेंट से कुछ, आपका अगर स्काउट गाइड वाले हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो यह इतने नंबर दोस्तों आपको दिया जाएगा। फिर अगर नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आ रहा है इन स्ट्रीम चेंज किया, अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, यस या नो, उसके पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से सेव पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आ रहा है यहाँ से हमारा फिर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपलोड अपना जो भी मार्कशीट को अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से उसको यहाँ से आपको अपलोड करेंगे। यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि शैक्षणिक 10वीं 12वीं की अनुसूची प्रमाण पत्र जैसे निवास TC को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, आवेदक चाहे तो बिना दस्तावेज के नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जैसे 10वीं 12वीं जाति निवास इस प्रकार से अगर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं नेक्स्ट पर करेंगे। तो इसको दोस्तों हमें यहाँ से अगर हमें अपलोड करना है तो यहाँ से दोस्तों जो भी हमें अपलोड करना होगा उसको यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 12 मार्कशीट अगर अपलोड करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर चूज़ फाइल करके यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है हमारे मोबाइल फाइल से। तो दोस्तों अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यह काम हो जाएगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर दोस्तों हमारे मोबाइल से यानी कि फाइल से ले लेने के पश्चात इस प्रकार से अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से देखना चाहें तो व्यू पर, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हम जितने भी फॉर्म को फिलअप किए हैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी आपको एडिट करना है उसके पश्चात नेक्स्ट पर अगर कोई गलती हुआ तो इससे पहले ही चेंज कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी है, यानी कि यहाँ पर 12वीं, फिर 10वीं, फिर एडिट इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ से एडिट, फिर एडिट एडिट, इस प्रकार से दोस्तों आ रहा है। तो इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से डिक्लेरेशन आ रहा है, आई एग्री, इस प्रकार से दोस्तों उसको सिलेक्ट करेंगे सभी को, आई एग्री इस प्रकार से। एंड यहाँ से दोस्तों कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ का कि आपके फॉर्म पुष्टि जमा करना चाहते हैं, एक बार यदि पुष्टि हो गई तो आप जानकारी बदल नहीं सकते। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे दोस्तों हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म दोस्तों सबमिट हो चुका है। यहाँ से अगर हमें फिर से एक बार प्लीज़ चेक
एन एग्री एक्सेप्ट बोल रहे हैं, इस प्रकार सभी को हम एग्री कर देना है यहाँ से। इस प्रकार से उसको हम एग्री पर क्लिक करें, कंफर्म पर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों यह इस प्रकार से है। अगर इसमें आप एडिट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो एडिट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो का आपको सभी दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें।